आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत को लेकर के आया है, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले से एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को जिस तरीके से दबाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू की अरविंद केजरीवाल जी ने, वो अब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। बहुत सारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता जिनके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसियां लगाई, बहुत सारे उदाहरण आपके सामने भी आते रहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में वो नेता ज्वाइन करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ते हैं, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे सीनियर अधिकारी, बहुत सारे मीडिया के साथी, ऐसे बहुत सारे संस्थान और लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की एजेंसियों की साजिशों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी की इन एजेंसियों के खिलाफ और मोदी जी की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ठाना और वो लड़ाई आज कामयाबी की तरफ बढ़ रही है, हमें इस बात की खुशी है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को इस कथित फर्जी शराब घोटाले के मामले में, ईडी के मामले में जमानत दी गई और जमानत देते वक्त जो कोर्ट ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है केजरीवाल जी के खिलाफ, कोई मनी ट्रेल स्थापित नहीं हुई है केजरीवाल जी के खिलाफ, बायस तरीके से ईडी केजरीवाल जी के खिलाफ जांच कर रही है। ये सारी चीजें कोर्ट ने अपने जमानत देते हुए अपने फैसले में कही। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इंटरिम बेल दी है अरविंद केजरीवाल जी को, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर टिप्पणी की है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाया था कि ईडी मन चाहे तरीके से जिसको चाहे जब चाहे गिरफ्तार कर लेती है और फिर जमानत की कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि ईडी के इस कानून में जमानत मिल पाना मुमकिन नहीं हो पाता है और एक राजनीतिक कैदी बन के कोई भी व्यक्ति रह जाता है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाया था कि ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था, गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर किया है उस मामले को, जो स्पष्ट तौर पे यह बताता है कि यह सवाल महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच की नजर में भी यह सवाल क्रिटिकल और महत्वपूर्ण है, इसलिए लार्जर बेंच को इस पर डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने रेफर किया है। यानी अरविंद केजरीवाल जी ने इस तानाशाही के खिलाफ जो आवाज उठाए, जो सवाल उठाए, वो अब महत्वपूर्ण सवाल पूरे देश के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए बन गए हैं और इनके ऊपर जो भी निर्णय भविष्य में कोर्ट की तरफ से आएगा वो एक नजीर स्थापित करेगा पूरे देश के अंदर और लोगों के अंदर कम से कम ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि जो मनमानी और जो तानाशाही चल रही थी एजेंसियों की, उसके खिलाफ अब सवाल सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, आवाज उठने लगी है और निर्णय भी आने लगे हैं धीरे धीरे। गिरफ्तारी, आज कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी अगर इतना सब्जेक्टिव विषय है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कन्विंस है कि मुझे गिरफ्तार करने की जरूरत है तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर जमानत की शर्तें भी इतनी आसान होनी चाहिए जितनी आसानी से आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगर जमानत की शर्तें ईडी के कानून के मुताबिक बहुत मुश्किल है जमानत मिलना, तो फिर गिरफ्तारी का थ्रेशहोल्ड भी हाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जिसको भी मन करे एजेंसी ने उसको गिरफ्तार कर लिया और फिर जमानत उसको मिल नहीं सकती क्योंकि कानून के अंदर उस तरीके के प्रावधान है। बीजेपी को यह बात पता थी कि अब ये झूठा फर्जी केस जो उन्होंने बनाया था, दो साल से जिसको भटका रहे हैं, जिसपे आज तक ट्रायल शुरू नहीं होने दिया एजेंसियों ने, किसी कोर्ट के अंदर इसके ऊपर कोई ट्रायल नहीं चल रहा है, अभी सब जगह पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, नए लोगों को उठा लिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, अभी नहीं छोड़ सकते जी, ऐसा करके कोर्ट का भी समय खराब कर रही है एजेंसियां
और बार बार कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट किया है कि क्यों नहीं एजेंसियां ट्रायल में आती हैं, क्यों ट्रायल को डिसाइड नहीं करती है। मनीष सिसोदिया जी के एक केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 6 महीने के अंदर आप जांच पूरी करके और इसके ऊपर ट्रायल को भी स्पीडी तरीके से किया जाए। हम स्पष्ट तौर पे यह बात उठाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह मालूम था कि अब बहुत जल्दी इन केसेस के अंदर जमानत शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई पुख्ता सबूत किसी भी तरीके का, एक चवन्नी का कोई सबूत भी कोई एजेंसी कोर्ट के अंदर नहीं दे पा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एक और फर्जी षड्यंत्र करके सीबीआई के केस में जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया और उस नए केस में कोर्ट की कार्रवाई में उलझाए रखने के लिए उसको एक नया फर्जी केस शुरू किया गया। बीजेपी को यह स्पष्ट तौर पर पता था कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी के केस में अब बाहर आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के सीबीआई के केस में गिरफ्तारी कराई। लेकिन कितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर ले, हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर होंगे। हम इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से यह अपील करना चाहते हैं, मोदी सरकार से यह अपील करना चाहते हैं कि देश के लिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए, भगवान के लिए कुछ काम कर लीजिए। देश के लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया ताकि आप देश में कुछ काम कर सकें। आपकी सरकार कोई काम नहीं करती लोगों को परेशान करने के अलावा, और कृपया करके दूसरे लोग जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, कृपया करके उनको भी काम करने दीजिए। इस तरीके से एजेंसियों का तानाशाह की तरह इस्तेमाल करने से ना आप काम कर पाते हैं और ना दूसरे लोगों को काम करने देते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारों को काम करने देते हैं। दिल्ली में भी इसी तरह से रोड़ा अटकाया जा रहा है और पूरे देश में विरोधी सरकारों को इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमारी ये अपील है कि खुद भी काम कर लो और दूसरों को भी करने दो। और साथ ही ये भी आज सोचने का विषय है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये लड़ाई न लड़ी होती और इन एजेंसियों और सरकार की तानाशाही के सामने घुटने टेक दिए होते, तो फिर पूरे देश के अंदर किस तरीके का तानाशाही का माहौल इन एजेंसियों का होता। कोई इनकी खिलाफत नहीं होती, कोई ये सवाल नहीं उठाता, जिसको चाहे ये गिरफ्तार कर लेते। सरकार की भाषा पूरी जनता को, सब लोगों को, विरोधियों को बोलनी पड़ती, यानी देश में तानाशाही स्थापित हो जाती। अरविंद केजरीवाल जी की ये लड़ाई, उनका ये सेक्रीफाइस, उनका जेल के अंदर भी मजबूत हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहना, ये देश हित में रहा, ये देश को कई महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने के लिए इसने मजबूर किया। और आज जिस तरह से कोर्ट भी एक के बाद एक, कोर्ट के फैसले भी हमारे हक में और अरविंद केजरीवाल जी के हक में आते जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि निकट भविष्य में ये सवाल पूरे देश के लिए सेटल होगा, लोगों को तानाशाही से मुक्ति मिलेगी और कानून का दुरुपयोग बंद हो सकेगा। ये हमको स्पष्ट तौर पे भविष्य में नजर आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, हम सबके बीच में होंगे और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर विस्तार करेगी, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को पहुंचा पाएगी।